नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है गिरडा में। मैं हूं शेफाली और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले आप सभी के डेटशीट और एडमिट कार्ड्स के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, कल की एक वीडियो में, ये वाली जो वीडियो है 3 जुलाई 2022 यूजीसी नेट लेटेस्ट अपडेट में, मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि जुलाई और अगस्त में आपके एग्जामिनेशन जो दो पार्ट्स में होने वाले, तो दो फेजेस में आपकी डेट शीट आएंगी। हालांकि वो एक एनालिसिस किया था मैंने बेस्ड ऑन जो प्रीवियस पैटर्न था एनटीए का एडमिट कार्ड्स को निकालने का, डेट शीट को निकालने का, वो पैटर्न बिल्कुल सही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। कारण, क्योंकि कुछ ही देर पहले एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी डेट शीट, जो कि जुलाई में जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है, वो रिलीज किया गया था। कल रात को इन्होंने कुछ कुछ स्टूडेंट्स का, जिनका एग्जामिनेशन 9 तारीख को होने वाला है, यानी कि 9 जुलाई को होने वाला है, उनके सिटी का अलॉटमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, ये इन्होंने बताया हुआ है। तो दो तीन चीजें हैं जिसको इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। मैं यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस नोटिस को समझ जाएंगे तो जो आप लोग दर दर भटक रहे हो, परेशान हो रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई इनवैलिड बता रहा है, मेरा एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया है, मेरा सिटी अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा जुलाई में होगा कि अगस्त में होगा, 9 को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा, कब होगा, ये आपको इस पूरा नोटिस के माध्यम से पता चल जाएगा। तो एनटी ने थोड़ी देर पहले एक नोटिस निकाला है, ये पहला नोटिस एनटीए ने अभी कुछ देर पहले निकाला है, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल उन्होंने बताया है। यूजीसी ने दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज साइकिल का फेज वन का, जो कि कल की वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स, कि दो फेजेस में आपके होने वाले हैं। तो ये है आपकी पूरी पब्लिक नोटिस, यहाँ पे पूरा प्रॉपर इसको थोड़ा सा समझेंगे कि 9, 11, 12 जुलाई को आपका होगा, मतलब फेज वन में जुलाई में 3 दिन होगा, उसके अलावा 12, 13 और अगस्त, यानी कि सेकेंड फेज में अगस्त में होगा। तो जुलाई और अगस्त के बीच में आपको पूरा 1 महीने का वक्त अच्छा खासा मिल गया है, तो जिनका अगस्त में होगा उनको अच्छी प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा आज के इस जो नोटिस में सिर्फ 9, 11 और 12, यानी कि जो जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाले हैं फेज वन के, उनके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल दिया गया हुआ है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल दिया गया है। सिटी अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ जिनका एग्जामिनेशन 9 जुलाई को हुआ है, वो आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख पाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में अभी दिखा रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे स्पष्टता से क्या लिखा हुआ है, 9, 11 और 12 जुलाई को जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसके यहाँ पर एनेक्जर वन में, यानी कि नीचे, ये बिल्कुल आप इसको ध्यान से देख लीजिए, डे वन फेज वन और जुलाई में होने वाले एग्जामिनेशन के यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट स्केड्यूल्स आपके सामने हैं। तो आर्कियोलॉजी, चाइनीज, क्रिमिनोलॉजी, डोगरी, जैसा कि हमने एक डिस्कशन किया ही था कल के वीडियो में, कि भाई पहले लैंग्वेज एग्जामिनेशन होते हैं, तो सैटरडे को जो आपका एग्जामिनेशन होगा 9 जुलाई को, वो सारे लैंग्वेजेस के एग्जामिनेशन है, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस एग्जामिनेशन है। मैं नोटिस का आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बस आपको उस पर क्लिक करके जाना रहेगा। तो सोशल, मेडिसिन, संस्कृत, ये सारे आपके डे वन में होंगे। इसके अलावा डे टू की अगर बात करें, यानी कि अगर बात करें 11 जुलाई को मंडे को, तो डिफेंस का एग्जामिनेशन है, हिंदू स्टडीज का, फिजिकल एजुकेशन का, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, सिंधी का, और डे थ्री में होम साइंस का है, यानी कि 12 जुलाई को होम साइंस का, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज का, नेपाली का, साइकोलॉजी का। तो अभी बिल्कुल फेज वन के यहाँ पे डेट शीट निकाले गए हैं या स्केड्यूल्स निकाले गए हैं, और सिटी जो अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि जिन सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन 9 को होने वाला है, यानी कि लैंग्वेज वाले सभी स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन होगा, उनका कौन कौन सी सिटी में होगा, सिर्फ उनका ही अभी यहाँ पे सिटी अलॉट किया गया हुआ है। तो सिटी जिनका अलॉट किया गया, वो कैसे देख सकते हैं, ये है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप जाएंगे, एक ऊपर लिंक है एडवांस सिटी इंटीमेशन का, इसके बारे में मैंने कल रात में भी एक वीडियो बनाई थी, आपको बस इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप रिलोकेट हो जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, DOB, सिक्योरिटी पिन डालना है जो यहाँ पे लिखा, और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे सिटी अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट्स का, जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है 9 तारीख को होने वाला है, वो किया गया है, और बाकियों का जो एग्जामिनेशन का सिटी अलॉटमेंट है वो धीरे धीरे हमें पता चल ही जाएगा। और एडमिट कार्ड अभी आपके नहीं आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। जो पहले का पैटर्न रहा है एनटीए का एडमिट कार्ड का, 1 दिन 2 दिन पहले रिलीज करने का, मुझे लग रहा है कि वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और क्योंकि 9 तारीख से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो 7 जुलाई के आसपास आपको एडमिट कार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। सो बताते चले कि पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन यूजीसी नेट के अपने ही चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मैं करा रही हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा 9 बजे शाम शार्प एवरीडे हमारी क्लासेस चलती है, क्लासेस को देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये नोटिस आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस मिलते हैं हम अपनी क्लास में। अगर इस बीच पे कोई नोटिस आती है या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं वो आपको शेयर करूंगी। टाटा, बाय बाय।